सो गुड मॉर्निंग सबको, स्वागत है आपका अपने एक और न्यू व्लॉग में। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहना। यार क्या बोल रहा हूँ मैं, व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और यहीं पर एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तो बहुत एंजॉय किया आज और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। सबसे पहले मैं ये वाला क्लिप सबसे पहले डालूंगा, उसके बाद अपना व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना जो मैं सुबह का जर्नी बोलने वाला था, सॉरी अपना जो रात से जो जर्नी स्टार्ट हुआ है वो देख के आना, फिर सुबह मिलता हूँ आपको। तो पहले आप रात का जर्नी देख के आओ, फिर अपन मिलते हैं यहाँ पे। अरे रात के 12 बजे भी आओ, 12:01 बज रहे हैं अभी, फिर भी यार रोड पे ना जो थाने का ब्रिज है उधर ट्रैफिक भी मिल रहा है। ये अपने लाइट्स तो इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं ना कि आगे कोई गाड़ी मेरे आ ही नहीं रही है। अभी मैंने बंद किया है क्योंकि सामने पे मेरे बहुत मतलब ज़्यादा डिस्टेंस में है, तो इसके लिए मैंने बंद किया है। डायरेक्ट सामने वाले के आँख में जाती है लाइट। ये देखो भाई, ये वाले ब्रिज पर भी ट्रैफिक है। क्या सोचा था मैंने, पूरा रास्ता खाली मिलेगा, लेकिन नहीं, रात के 1 बज रहे फिर भी यहाँ पर ट्रैफिक मिलना ही है। अपन जस्ट 15 मिनट में थाने पहुंच गए। इतना डिफरेंस रहता है जब भी अपन रात को निकलते हैं ना, थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला हमको पिछले वाले ब्रिज पर, लेकिन उतना भी ट्रैफिक नहीं था, बस गाड़ियाँ मूव ऑन हो रही थी। लेकिन अपन ओनली 15-17 मिनट्स में थाने पहुंच गए। ज़्यादा हमने भगाया भी नहीं, एकदम आराम से आए, फिर भी पहुँच गए। तो कितना मज़ा आ रहा है यार, रात को ये रोड इतना खाली रहता है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का। मैं कभी रात को इतना लेट बाहर नहीं पड़ा हूँ, लेकिन दिन में जब भी अपन आते हैं मैं कितना मतलब यहाँ पे कितना ट्रैफिक रहता है, लेकिन अभी रात को पूरा खाली है। अभी हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आगे अपन कभी गए नहीं, गए थे चेंबूर, लेकिन फिर भी कोई कोई ब्रिज पे बाइक अलाउड नहीं है, तो हमको उसका ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो चालान भरना पड़ेगा। देखते हैं हमसे क्या होता है। ओहो, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है, भगाएंगे नहीं, आराम से जाएंगे क्योंकि मेरे साथ पिलियन है। आज पिलियन का एक्सपीरियंस आएगा मुझे क्योंकि पिलियन के साथ मैं कभी राइड किया नहीं हूँ। देखते देखते अपन मुंबई पहुंच गए। अभी यहाँ से आगे देख, तेरे को ऐसा लगेगा कि अपन मतलब दिन में घूम रहे हैं, लग रहा है कि रात के 1:30 बज रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:23। ओ यस, आई थिंक ये मोहम्मद अली रोड है। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, अगर मैं कुछ रॉन्ग बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। दिन में यहाँ पे कितना ट्रैफिक रहता होगा, लेकिन रात में भी देखो ना कितनी गाड़ियाँ है। ऐसा लग नहीं रहा है कि अपन एकदम अकेले ही है रोड पे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। हुआ यहाँ पे तो क्रिकेट चल रहा है। ओए पुलिस आ गई, पुलिस। ये तो अपने बाबा ही है। यार वो रील ना मतलब इतना अभी भी मेरे दिमाग में चल रही है। पहुंच गए अपन गेट ऑफ इंडिया, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा लाइट्स बंद है ना, तो इसके लिए और काम चालू है कुछ तो। यहाँ पे देख कितनी पब्लिक है, अपन एकदम एंड में रुकेंगे। रात के 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पे पब्लिक देख सकते हो आप कितनी पब्लिक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, हाँ तो कौन उनको आगे बुलाते है ना। तो भाई अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, पुलिस वाले भगा रहे हैं सबको क्योंकि टाइम अभी क्या हो रहा है देखता हूँ। रुको एक मिनट, टाइम दिखाता हूँ मैं, रुको आपको मैं टाइम दिखाता हूँ। ये देखो 1:49 हो रहा है, तो पुलिस वाले सबको भगा रहे हैं यहाँ से। क्या हुआ यहाँ पे, इतनी पब्लिक हो जाती है ना तो पुलिस वाले को भी ना इतना परेशान होना पड़ता है। हम ऐसा रुकने के लिए नहीं आए हैं, हम घूम रहे हैं बाइक पे, तो कोई टेंशन नहीं है। हम खाली 5 मिनट रुके तो पुलिस वाले आ गए। जब भी अपन जा रहे हैं CSMT, यहाँ पे तो फ़ोटो लेना बनता ही है, कुछ भी करके यहाँ पे फ़ोटो लेना ही है मुझे, मैंडेटरी है फ़ोटो लेना यहाँ पे। CST पहुंच गए, लेकिन CSMT का लाइट्स ही बंद है।
यार शिट यार शिट 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 लाइट्स बंद है। हाँ अपन आने वाले थे इसलिए बंद किए। ये देखना लाइट्स बंद है यार पूरा। ये देखो भाई मुंबई का मच्छी मार्केट सुबह सुबह 4 बजे चालू हो चुका है। कितना भीड़ है यहाँ पे। ओ भाई यहाँ पे कितना भीड़ है, पूरा रोड इन लोग ने ले लिया है। फाइनली पहली बार अपनी गाड़ी आ चुकी है मरीन ड्राइव। इतनी खुशी पब्लिक देख कितनी है। तो एक सपना था बचपन में, जब यहाँ पे आता था ना मैं, तो भी मेरे को लगता है कि एक दिन यहाँ पे ना खुद की बाइक लेके आना है, और वो सपना मेरा आज पूरा हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है मुझे। मरीन ड्राइव मुंबई, पूरा मुंबई दिखता है यहाँ से। आई होप मेरी आवाज क्लियरली रिकॉर्ड हो रही होगी। मैं कल्याण, इंस्टाग्राम पे ले लो ना। बाय बाय। यस यहाँ पर कितना गीला हो चुका है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है चारों साइड पे। क्या रोड था और क्या बना दिया यार, लेकिन यहाँ पे कोई तो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो इसके लिए पूरा रोड का तोड़फोड़ करके पूरा मतलब वाट लगा दिया है। आगे पूरा समंदर है और हम हैं समंदर के बाजू में। उनको बाय बाय भी बोल दिया जिन्होंने मुझे एक राइड मांगा था उनको। तो चलिए बाय बाय बोलते हैं मरीन ड्राइव को और निकलते हैं अपने घर के लिए। अभी फाइनली आज का अपना लास्ट डेस्टिनेशन था। पता नहीं कितना घूमा हूँ, कितना व्लॉग बना पाया हूँ। ओहो मेरे को कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। निकलते हैं अभी घर के लिए। मेरा मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि हाँ चलो घर पे जाते हैं। अभी बस हुआ, ऐसा लग रहा है और घूमो। मतलब क्या फ़ायदा, अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, फिर वही मुंबई का डेली स्केड्यूल पूरा गाड़ियों से भर जाएगा। ये देखो ऐसा रास्ता था ये सीधा, फिर यहाँ से इन्होंने दो रास्तों को एक रास्ता बना दिया, तो फिर से वही चालू हो जाएगा, गाड़ियाँ बढ़ जाएगी, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, फिर क्या ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। आएंगे ज़रूर आएंगे बाद में, थोड़ी दिनों में अपन वेन्यू लेके आएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बाइक का मज़ा आज हमने ले लिया है, तो कुछ ही दिनों में जब भी अपना प्लान बनेगा तभी अपन कार का मज़ा भी ले लेंगे। तो चलिए अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, आई थिंक 5 बजे होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। चलो एंजॉय तो बहुत किया, आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा जितना मैंने व्लॉग बनाना था, जितना मेरे को नहीं पता कितना व्लॉग बन गया है। मैं तो बस मेरी राइड और मेरा मुंबई का एक्सपीरियंस और मुझे यही एंजॉय करना था, इस हिसाब से मैं आया था। मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि मैं आज ब्लॉग बनाऊँ ऐसा कुछ करूँ, बस मैं मेरा मन हुआ। मेरे को बहुत ऐसा मत अंदर से लग रहा था एक बार अपन जाके आते हैं मुंबई, पूरा रात को देखते हैं कैसा दिखता है, क्या फील है। ये देखो अपने लेफ्ट साइड में गिरगांव चौपाटी, अभी कोई भी नहीं है, और जब भी दोपहर रहती है और शाम रहती है, शाम में तो पूरा भर जाता है। यहाँ पे अपन रुकते हैं और मैप लगाते हैं। चलो भाई चलो निकलते हैं अभी फाइनली, अभी अपन ईस्टर्न एक्सप्रेस से पकड़ लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट घर पे। ये जो कर रहे हैं ना लोग, ये प्लीज़ आप मत करना। यहाँ पर भी कुछ तो काम चालू है मुंबई में, हर जगह मैंने आज नोटिस किया, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। अपन थाने में पहुंच भी गए,
आई थिंक 40 मिनट्स ऐसा मुझे लग रहा है। हमारा अराइवल टाइम दिखा रहा है 6:40, हम लोग निकले थे कितना, आई थिंक 5:30 बजे, और अभी क्या बज रहे हैं, 6:13। हो भाई हंसी आ रही है, हंसी मेरे को खुद पर हंसी आ रही है। हाँ आप लोगों ने किया होगा इससे भी कम टाइम में, लेकिन मेरे लिए मतलब अच्छा लग रहा है। अपन 40 मिनट्स में, ये खाली रात का फ़ायदा है, और अभी अपन 40 मिनट्स में मरीन से डायरेक्ट थाने में पहुंच गए, बस 40 मिनट्स में। टाइम हो रहा है अभी सुबह के 6:15 हो रहे हैं, और सामने देखो ऐसा लग रहा है कि कुछ ही टाइम बाद सनराइज हो जाएगा। ये जो आगे का अभी जो 20 या 30 मिनट्स का जर्नी बचा है ना, वो सबसे बोरिंग रहेगा, सबसे बोरिंग, क्योंकि ये पार्ट में जब भी देखो तभी ट्रैफिक रहती है। अपन ठाणे से भिवंडी जाते हैं ना, वो पार्ट अभी दिन में देखो, रात में देखो, दोपहर में देखो, 24 घंटा यहाँ पर जाम ही जाम रहता है यार। पता नहीं ये कब रास्ता बड़ा हो जाएगा और कब हम लोग छूट जाएंगे। हाँ जी, तो कैसे लगा आज का ब्लॉग? क्या कर रहा हूँ मैं, अभी ब्लॉग का स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी एंड कर रहा हूँ। वाह, तो कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए फिर, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड हो रहा है, और अभी हम 20-30 मिनट में घर पे पहुंच जाएंगे। मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नए, क्या कर रहा है ये, इंडिकेटर भी नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको, अलविदा लेते हैं, और मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग में। चलिए बाय बाय, वहाँ से सनराइज हो जाएगा कुछ ही टाइम बाद। आई थिंक उधर ना आग लगी है, तो इसके लिए ये काले बादल बने हैं। देखो ना वहाँ से आग दिख रही, मतलब वो धुआं रहता है ना, वो धुआं दिख रहा है पूरा। यहाँ पे अपना सनराइज हो रहा है। हैप्पी संडे ऑल ऑफ यू, आई होप सैटरडे नाइट भी आपने एंजॉय किया होगा हमारी तरफ, और संडे भी आपका अच्छा जाए, और आपने भी संडे अच्छे से एंजॉय किया होगा। पता नहीं मुझे ये वाला ब्लॉग मैं कब डालूंगा, लेकिन जब भी डालूंगा तभी आप देखना ज़रूर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अबे यार, एक तो कुछ तो एक बात, मतलब कुछ तो एक बोलना, एक तो ब्लॉग एंड कर, नहीं तो जाना बस हुआ, अभी कंटाला आया। जा जा चल, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही किसी। चलो बाय 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 बाय, अभी ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो।